में आज से जातिगत जनगणना। सीएम नीतीश बोले ये राज्य और देश के विकास के लिए फायदेमंद। बीजेपी ने कहा 4 करोड़ प्रवासी बिहारियों को भी शामिल किया जाए। इसके विकास के लिए और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए बहुत फायदा होगा, तो हम लोग इसी दृष्टिकोण से। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी ने जातीय जनगणना पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि इसमें 4 करोड़ प्रवासी बिहारियों को भी शामिल किया जाए। उसमें कम से कम एक सवाल और जोड़ दें कि आखिर पिछले हर गांव में कितने लोग बिहार छोड़ के पिछले कितने वर्षों में गए, किन किन वर्षों में गए, और ये लोग पूरे भारत को बना रहे हैं लेकिन बिहार पिछड़ क्यों रहा है। जाति आधारित गणना के लिए बिहार में करीब 2 लाख शिक्षकों को नियुक्त किया गया है।